ऑलराइट सो हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। तो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम यार, मतलब लिटरली एक महीना हो चुका है, एक महीने से ना ही कोई ब्लॉग आया है, ना ही मैं कोई रेड पे जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं। एकदम बोलते ना, एकदम पूरा डीएक्टिवेट हो चुका था, ना इंस्टा पे कुछ, ना यूट्यूब पे एक्टिव, कुछ नहीं। बट यस, अभी नहीं होगा ऐसा, अभी फिर से मैं जो है एक्टिव आ चुका हूँ। अभी बस अभी राइड स्टार्ट ही करनी है हम लोग को। तो सबसे पहली राइड जो मानसून में चालू कर रहा हूँ मैं, वो है सीधा मार्शेस घाट तो मैं जा रहा हूँ, मगर वहाँ पे एक लोकेशन ऐसी है ना जो सब लोग को बहुत ज़्यादा क्रेज है उसका। तो पहले मार्शेस घाट जाएंगे, ये ब्लॉग में आपको मार्शेस घाट पूरा दिखेगा, उसके आगे लोकेशन देखो कि मार्शेस घाट में मैं गया किधर। सच में बोलो इतना वर्थ इट लोकेशन है ना, बस आप देखो आ गया ब्लॉग में मज़ा आने वाली है। तो बस बाइक वगैरह सब रेडी हो गया है, सब सामान देख सकते हो इधर, सब बैग बैग सब सॉर्टेड हो चुका है। तो अभी बस निकलना है, बस कब से वेट कर रहे थे उनको, लिटरली बोला 7 बजे निकलने वाले थे हम लोग, 7 बजे। अभी तो बारिश ही चल रही है, तो एट दी एंड डिसीजन लिया कि निकलना ही पड़ेगा, अभी तो ऑप्शन नहीं है। तो अभी बस रेनकोट एंड ऑल डाल के सब निकल रहे हैं। तो चलो ब्लॉग में बने रहो और आगे ब्लॉग को एंजॉय करो। ऑलराइट सो चलो, सब हो गया है अपना, अभी सॉर्टेड निकलना है। बस ये गोप्रो का वाटरप्रूफिंग कुछ ऐसे इस प्रकार हमने किया है, फ्यूल भी डालना है अभी तक यार, शिट। कल रात में सोचा था डाल के रखूँगा मैं, बट रह गया, कोई नहीं अभी डालना ही पड़ेगा। 2 मिनट के लिए मैं डर गया कि धुआं कौन सी चीज़ का निकल रहा है, फिर याद आया था कि पानी वो सब का धुआं निकल रहा है। देखो पूरा स्मोक हो गया इधर तो, लिटरली पूरा 2 मिनट के लिए डर ही गया मैं पूरा। अभी ऐसा आज के राइड में हम लोग 6 लोग जा रहे हैं, 5 लोग ऑलरेडी उधर वेट कर रहे हैं और मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग से बारिश में निकलना नहीं पसंद है यार, सच में बोल रहा हूँ। अगर चलो राइड पे बारिश लगती है तो एक बार के लिए ठीक लगता है, बस घर से निकलने के साथ बारिश वो थोड़ा इरीटेट कर देती है। बट चलो अभी कोई ऑप्शन नहीं है, अभी निकल गए हम लोग। आ गए इधर से, राइड हमारी चालू हो गई है, मगर बारिश यार आज कुछ ज़्यादा ही बारिश है लिटरली। मतलब कल तक मस्त धूप निकल रही थी, आ रही थी बारिश, मगर बीच बीच में धूप तो आ रही थी, आज तो सुबह से बारिश है बस। और वेदर मैंने चेक किया तो आज अच्छी खासी बारिश बता रही है, देखते हैं। अभी राइड पे निकल चुके हैं तो अभी ऑप्शन नहीं है कुछ, अभी राइड पूरी करनी है। तो अभी मैं सबसे पहले पेट्रोल फुल करा देता हूँ इसमें एक बार, क्योंकि वो होगा तो फिर टेंशन नहीं रहेगा कोई चीज़ का। तो पहले पेट्रोल फुल करा देता हूँ और उसके बाद से हम अपना मैप सेट करके निकल जाएंगे सीधा। फुल कर दो, बाप रे अभी से इतनी हालत चालू है, पूरा पानी भरा पड़ा है देखो इधर, मतलब रात भर अच्छी खासी बारिश हुई है। आज की राइड चैलेंजिंग होने वाली है बहुत अच्छी खासी। एक तो मैं राइड कर रहा बहुत टाइम से हूँ, एकदम न्यू लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं पहली बार राइड कर रहा हूँ ये सब, उसमें हैवी रेन। मगर सिर्फ जो व्यूज मिलेंगे ना यहाँ पे, क्या बोलूँ, नेचर मतलब बोलते ना, देखो यहाँ से देखो एक से एक वाटरफॉल इधर ही दिखना चालू हो गए। बस अभी शायद हम लोग निकल जाएंगे इसके बाहर, यहाँ से एक लेफ्ट है किधर, तो इतना तो याद है मेरे को, बट अभी पूरा खुला खुला मिलने लगा है, रोड खुले नहीं मिल रहे, पब्लिक कम है। और आई गेस यही है, तुला डैम ला जायचं आहे का? डैम ला जायचं आहे तुला? ते जवळ कोणता पडेल? प्लॅन में एक चेंज किया हम लोग ने,
पहले हम लोग जा रहे थे बारहवें डैम से, क्योंकि हर बार यही रोड से आते हम लोग, मगर इस बार सोचे थे कि बारहवें डैम से जाएंगे, पर फिर सोचा क्या थोड़ा रास्ता दूर भी है वो, प्लस रास्ता ख़राब है, उससे अच्छा ये रास्ता अच्छा है, तो डिस्टेंस उतना जल्दी कवर कर पाएंगे। बाकी सीनिक रोड तो है ये। ब्रेकर है ना ये रोड पे, क्या बोलूं, मतलब थोड़ा गाड़ी गियर अप करेगी क्या बस। ओह गाउज, ओह जैसे मैंने बोला था थोड़ी हल्की फुल्की बारिश में लगा था आगे आगे रुकेगी, और अभी रुक चुकी है। आई होप अभी आपको सब क्लियर दिख रहा होगा, क्योंकि स्टार्टिंग से आई नो कुछ भी आपको क्लियर नहीं दिख रहा था, क्योंकि कंटिन्यू बारिश से अभी जाके एक बोलते ना रुक चुकी है अच्छे से। इधर एक स्टोरी तो बनती है, रुकते ना स्टोरी लेते। अब जाके पहली स्टोरी निकल रही है, सुबह से एक स्टोरी नहीं निकाले थे हम लोग। क्या हालत हो गई है पीछे से, टेल टैडी निकालने का, टेल टैडी करने का फायदा देख, एक मड़गाड़ निकालने का फायदा। उसका पाव का देखना, दोनों टोन ही चेंज हो गया अनु। तो अभी हम लोग का इधर रुकने का प्लान बचा है, या ये निकाल लेता हूँ ना। बाइक हमारी इधर पूरी पार्क कर दिए, पार्क नहीं बस रोड के साइड में ही लगा है, क्योंकि ये ब्रिज पे जिधर रुके थे वहाँ पे सबको फ्रेश होने का मन हो रहा था, बहुत कीचड़ वीचड़ उड़ गया था पूरा, तो वही अभी सब फ्रेश होने गए। बाकी जगह तो एक नंबर है, ये यही रहता हमेशा, सफर से ज्यादा बोलते ना मंजिल से ज्यादा सफर का मजा, वो यही वाला सीन है। अरे रे रे, जैकेट पूरा गया पीछे सा तुम्हारा भी, जैकेट का पूरी वाट लग गया पीछे। अच्छा वो नहीं, ए तुम अच्छी पकड़ रही है, वो रास्ता भूल गई अभी। अभी मज़ा आएगा इधर से, अभी मस्त हाईवे लगेगा, जब से बस अंदर 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 से चल रहे थे ज़रा भी रोड सही नहीं था, मगर अभी सॉर्टेड रोड मिलेगा तो अभी स्पीड एक अच्छी खासी मेंटेन हो जाएगी। और मैं गलती से ये लगाना भूल गया हूँ, अभी प्रॉपर स्पीड मेंटेन हो गया हमारे यहाँ से, कि अभी बस हाईवे ही है, जस्ट मैंने अभी बोला था अभी स्पीड मेंटेन हो गई, पहले ब्रेकर आ गया, और गोप्रो का बैटरी डेड हुआ था इसके लिए मेरे को रुकना पड़ा था, बट वो चक्कर में ये लोग सब आगे चले गए। अभी क्लाइमेट सही बोले तो एकदम सही हुआ है, ना अभी कोई बारिश है ना कुछ, एकदम छाव, एकदम चिल क्लाइमेट है, मतलब ऐसे क्लाइमेट में अगर राइड करेंगे ना तो फिर कुछ भी प्रॉब्लम फेस नहीं होती। वैसे भी देखा जाए तो अभी हम लोग मुरबाड़ के बहुत नज़दीक है, मतलब आई गेस अभी 10 मिनट में तो पहुँच ही, 10 मिनट भी नहीं लगेगा शायद पहुँचने के लिए। अभी मुरबाड़ रुक के किधर तो नाश्ते के लिए देखना पड़ेगा, क्योंकि भूख तो लग रही है, अभी लगभग देखा जाए तो 11 बज रहे हैं।
तो भूख तो लग रही है, तो पेट पूजा करना बनता है अभी। उधर ही रुक के थोड़ा अभी रिफ्रेश होते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी रोड कितना सीनिक है, देखो ना, फुल क्लीन रोड, दोनों बाजू से झाड़ और बीच में आफी उड़ी। फाइनली आ गए हम लोग मुरबाड़। ये मुरबाड़ बस डेपो। अभी यहाँ से एग्जैक्टली हम कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ तक तो मैंने आपको सस्पेंस में ही रखा था। जैसे मतलब मैं मार्शेज ही जा रहा हूँ, बट मार्शेज में मैं किधर जा रहा हूँ बोला था, आगे जाके आपको रिवील करूँगा। तो मार्शेज में अभी हम लोग का प्लानिंग फुल है कालू वाटरफॉल जाने का, क्योंकि वो जो हेवन जगह है ना, बस उसके ऐसा कोई जगह नहीं ऐसा लगता है अभी। तो बोले ना, अगर तुमको स्वर्ग देखना है, अगर सच में स्वर्ग होता है देखना है ना, तो कालू वाटरफॉल को एक बार तो विजिट करना पड़ेगा। उसका ट्रेकिंग भी अच्छा खासा है उसका, प्लस लोकेशन तो भाई नेक्स्ट लेवल है वो। तो अभी हम लोग को ऑलरेडी अभी कितना बज रहा है, 11 बजने आ गया है अभी। अभी कालू वाटरफॉल कितने टाइम में पहुँचते हैं, क्योंकि उसके आगे हम लोग को ट्रैक करना है। प्लान बहुत हम लोग ने बोलते ना, पहले इतना लंबा राइड फिर उसके बाद ट्रैक, सब एक साथ ही रखा था हम लोगों ने, बट करना तो सब साथ में ही है। व्यू है यार, पूरा मार्शेज घाट का लाइन देखो क्या दिख रहा है उधर से। ऐसा लग रहा है पूरा एक बोले ना बॉर्डर मार के रखा है, पूरा माउंटेन्स का लाइन है वहां से, और सब बादल के ऊपर है। वहां देखो बादल कितना नीचे है। दिस इज अ सह्याद्री, ये मार्शेज घाट का स्पेशलिटी है, तुमको आसमान से ऊपर लेके जाते हैं ये घाट। क्या सही व्यू है यार। चलो इधर ही अभी नाश्ता करने के लिए रुकते हैं, क्योंकि हमें और कोई लोकेशन मिल रही नहीं है, हम बस आगे आगे जाते जा रहे जाते जा रहे। अच्छा उधर है क्या टू व्हीलर के लिए? चलो अभी पेट पूजा करते हैं, बहुत भूख लगी है, इसको निकाल देते हैं। बहुत जोर से भूख लगी, अभी भूख लगी क्या? नहीं कब से बोल रहा हूँ उसको खाते खाते, होप सो इधर डोसा वगैरह मिल जाए। हाँ ब्रो इसके लिए, अरे फ्री रहने का मस्त। ये लोग इतना एंड में क्यों बैठे हैं? अच्छा पूरा टेबल ही ले लिए क्या? खाना बिना खा के हो गया, एकदम पेट भर के नाश्ता हुआ है हमारा, और एंड में जो कॉफ़ी थी, वाह वाह क्या कॉफ़ी थी वो। फुल सॉर्टेड, अभी फुल फ्रेश लग रहा है। अभी बस फटाफट कालू वाटरफॉल पहुंचना है, मालूम नहीं अभी तक यहाँ से और कितना दूर है। और फिर से बारिश चालू हो चुकी है, हम लोग को सबसे मेन तो अभी तक जाके फिर से ट्रैकिंग करनी है।
आएगा ना कालू वॉटरफॉल किती पुढे कालू वॉटरफॉल वरती है ना किती लांब असेल अजून 13 किलोमीटर असेल चलो इतना तो मालूम पड़ गया कि अभी 13 किलोमीटर बचा है बस फिर उसके बाद हमारा ट्रैक चालू होगा मतलब अभी ज़्यादा दूर नहीं है बट हम लोग बहुत आराम आराम से जा रहे थे क्योंकि पूरा रास्ता एंजॉय करते हुए जा रहे हैं जिधर मन किया उधर रुक रहे हैं जिधर मन किया भेंडे उधर फोटोशूट सब बोलते ना ऐसा और अभी फटाफट डिस्टेंस कवर करते हैं देखो कितना पब्लिक है क्या हुआ क्या मगर इधर किधर हाँ उधर पीछे से जाने का लगता कुठं इकडनंच आहे ना ये जाय का मग क्या अरे क्या करने का अभी हाँ बंद जाने के लिए पूछ खड़े है ना सामने हाँ काका भाई इतना दूर आके पूरी वाट लग गई उसका रास्ता नहीं है उधर आगे दूसरा वाटरफॉल है बोले उनने हाँ काका पूरा का आएगा उठ रहे उठ नहीं एक मिनट पूछ उसको आ गया अनके अरे नको ना जाओ दादे काय इकड़ा है नाने घाट है भैरवगढ़ है अरे नाने घाट वो सब लंबा पड़ जाएगा भाई वो नाने घाट अभी जिधर गया था ना वो जगह बोल रहे हो उधर रिवर्स वाटरफॉल है नाने घाट में रिवर्स वाटरफॉल उधर है नहीं बोला तो 25-30 किलोमीटर अभी यहाँ पे तो पोपट हो गया उससे अच्छा मार्शल से कवर कर लेता हूँ और उसके आगे रिवर्स वाटरफॉल है वो कवर कर लेता हूँ ये इतना दूर आके तो बोलते ना वेस्टेज तो नहीं जाने दे सकते यार और बंद करने का रीज़न पूछा है तो पानी का फ्लो ज़्यादा हो गया इसके लिए बंद कर दिए बोल रहे उधर क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो क्रॉस करने के लिए रिवर क्रॉस करना पड़ता है उधर से पानी में उतर के जाना पड़ता है तो वो भी सिक्योरिटी मतलब बोलते ना सेफ्टी के लिए ही बात कर रहे हैं तो उसमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ऑब्वियसली बात है क्योंकि पानी में बोलते ना कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो फिर फालतू में वो लोग के ऊपर आएगा इसके लिए वो रिस्क नहीं लेना चाहते अभी देखते हैं अभी पहले मार्शल जाते हैं हम लोग वही डिसाइड किया गया कि मार्शल ही जाना पड़ेगा ऑप्शन और कोई नहीं है लेट्स सी अभी इधर रुके हम लोग पहले यहाँ पे रुकते हैं प्लान करते हैं करना क्या है उसके बाद आगे का सब सोचते हैं क्योंकि यहाँ पे वैसे देखा जाए तो दो तीन लोकेशन और है रिवर्स वाटरफॉल हो गया हरेश्वरगढ़ है कुछ तो उन्होंने बताया वो एक है बाद में मार्शल घाट भी आगे तो देखते मगर ये प्लेस भी सॉर्टेड है इधर ये लो हाँ
ए सामान लिए क्या सब? सामान सब लिए ना? उन लोगों का स्कैम हो गया। चलो 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 उठो। हाश क्या फॉग आया यार। क्या फॉग आया देख। क्या फॉग आया है अभी। अभी गोप्रो की दूसरी बैटरी भी टिकने वाली है कि नहीं पता नहीं है, क्योंकि ये भी 27 पे आ चुकी है। बाकी फॉग एक नंबर आया, ऊपर से मेरी ब्लैक कलर की वाइजर है। वाओ, तो सोचो मेरे को क्या ही दिख रहा रहेगा अभी आगे। बट कुछ भी बोला, रोड बहुत सीनिक हो गया है अभी। आगे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, हर जगह बस वाटरफॉल वाटरफॉल। मार्शल्स गार्ड इसके लिए हेवन है। देखो हर जगह, हर दूसरे जगह पे तुमको बोलते हैं ना वाटरफॉल मिलेगा ही मिलेगा। क्या फॉग है देखो यार आगे, लिटरली बस वो सामने वाली गाड़ी ही दिख रही है, इतना फॉग आ चुका है। इधर नीचे तो देखो पूरा वाइट, जरा भी कुछ नहीं दिख रहा देखो यहाँ पे।